आज मैंने सोचा कि अपनी वीडियो की शुरुआत में जय श्री राम से करूं। कहते हैं कि राम राज चल रहा है। मुझे भी बेहद खुशी है कि हम राम राज में जी रहे हैं। पर क्या आपको एक खबर ये बताई गई है? एक खबर मैं आपको बताना चाहती हूं जिस पे कि आप सबका ध्यान जाना चाहिए। ये खबर मेरे हिसाब से आज की ही है या कल की। एक हत्या का मामला उत्तर प्रदेश के गांव में, जहां सोनो थाना क्षेत्र का एक मामला है, जहां पे दिन दहाड़े एक दिव्यांग व्यक्ति जिनका नाम मोनू है, उन्होंने एक महिला जिनका नाम ज्ञानवती है, दिन दहाड़े उनके ऊपर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि सुबह पहर जब वो अपने घर पर बैठी हुई थी और ज्ञानवती जो महिला है उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति उनको छोड़ के जा चुके थे, वो अकेली ही रहती थी और उनके पड़ोस में रहने वाले मोनू उनकी जो उनकी नजर थी वो उनके मकान पर थी, और इसी जलन में या इसी क्रम में आकर उन्होंने आज दिन दहाड़े उस महिला के ऊपर गोली चलाई। कहते हैं कि पहली गोली जो है वो उससे तो वो फायरिंग से बच गई, लेकिन दूसरी गोली जो है वो ज्ञानवती की पीठ पे लगी और उनकी मौके पर ही हत्या हो गई। हालांकि काफी लोग जो है ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रहे हैं, लोग इसे वीडियो को डाउनलोड भी किया है, रिकॉर्ड भी किया है और वायरल भी कर रहे हैं। आपको भी मिल सकता है, पर मैं मीडिया से ये पूछना चाहती हूँ कि ये बातें आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? दिन दहाड़े हत्या हो जाना, इसको आप रामराज बोलते हैं? ये है आपका रामराज? और ऐसा बताया भी जा रहा है कि जो वो मोनू करके जो दिव्यांग जो जो आदमी है वो वहां के किसी लोकल, उत्तर प्रदेश के किसी लोकल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के भाई भी है, या नहीं सॉरी साला है, समझते हैं ना, बहन का भाई। तो मेरे हिसाब से इन चीजों पर ध्यान जाना चाहिए सभी का। हालांकि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने फौरन उसे हिरासत में लिया है और सख्त कार्रवाई की है, लेकिन मीडिया कहाँ? आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्या ये है आपका रामराज? इसके अलावा और एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे किशनगंज के या ठाकुरगंज के जो लोग प्रदेश में जो बाहर दिल्ली में मद्रास में जो मजदूर बेचारे फंसे हुए हैं उनको प्लीज वहां से निकाला जाए। मैं ठाकुरगंज के एमएलए से खासकर बोलना चाहूंगी कि वो मौन इतने क्यों है, मौन है या फिर गौन है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को अपने घर बुलाने का इंतजाम करें।